लोकलाइज्ड वेक्टर। तो पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं गाइस। अ वेक्टर व्हिच पॉइंट ऑफ एक्शन, अ वेक्टर व्हिच पॉइंट ऑफ एक्शन इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल, नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, अ वेक्टर व्हिच पॉइंट ऑफ एक्शन इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहां बात कर रहा हूं, I have a surface and I have a rigid body. Okay. So, what we have done, I have applied a force on this rigid body. Okay. So, ये मेरे पास vector है, इसको मैं F vector से denote कर रहा हूँ, this is known as F vector. और इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, line of support. This is known as line of support. So, see, अब हुआ क्या कि हमने ये वेक्टर है और ये इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट है, इट मींस दिस इज आल्सो नोन एज अ कंप्लीट वेक्टर। तो अगर मैं इस वेक्टर को, अगर मुझे इस बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करना है यहां तक, ठीक है, इसकी पोजीशन यहां पे लेके आनी है, सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, क्या मैं इसी फोर्स को यहां अप्लाई कर सकता हूं, द सेम फोर्स एफ वेक्टर? नो, I have a body here, so I have to apply the forces here. So it means मैं इस force को इसके parallel नहीं लिख सकता. So इसका जो point of action है ना, वो fix है इस body के ऊपर, and cannot be moved parallel to itself, और अपने parallel ये move नहीं हो सकती guys. तो ऐसी जो lines हैं उसको हम बोलते हैं localized vector. Getting my point? अब देखिए, इसके जैसा ही एक और वेक्टर है हमारा, नोन एज फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर में आई हैव टू द स्टेट अ वेक्टर व्हिच पॉइंट ऑफ एक्शन इज नॉट फिक्स्ड and can be moved parallel to itself is known as free vector. देखो, पहली तो सिंपल सी बात है ना, इसके नाम से ही हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि फ्री वेक्टर का मतलब हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। ओके, सो लाइक मैंने यहां पे एक वेक्टर इधर बनाया, यहां बनाया, दीज आर नोन एज फ्री वेक्टर। अगर हम इसको एक लॉजिक से समझें, सो मैं आपको आई विल राइट आउट सो मान लीजिए ये एक प्लेन है और ये यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो मेरे पास इसका जो वेक्टर है इसको मैं कोई एफ वेक्टर मान लेता हूं। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट ही विल मूव्स according to this direction, so that is known as F vector. After some time, it is moving, इसने इसकी direction वही है, same direction it is moving, but इसने अपना path जो है ना थोड़ा सा change कर लिया. Okay, so इसी direction में again is moving and now he is changing his path here, so again he is in F vector. So मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल लिख सकता हूं, इट कैन बी मूव पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड इट कैन बी मूव, देखो यहां से यहां आने के लिए तो इसको कुछ ना कुछ वेक्टर यूज करना पड़ा, सो दीज आर नोन एज अ फ्री वेक्टर। द वेक्टर इज मूविंग हेयर, वेक्टर इज मूविंग हेयर, अगेन वेक्टर इज मूविंग टू द पैरेलल ऑफ दिस वेक्टर, सो इट इज द लाइन ऑफ स्पोर्ट, इट्स
एक्शन ऑफ इज नॉट अ फिक्स्ड एक्चुअली, ओके, सो फोर्स इज वर्किंग एनीवेयर, बट इन द केस ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर द फोर्स इज वर्किंग हेयर, इट्स पॉइंट ऑफ एक्शन इज फिक्स्ड, ओके, एंड इट कुड नॉट मूव टू इट्स पैरलर, बट इट कुड मूव टू पैरलर. सो ये थे सच टाइप ऑफ वैक्टर्स. सो बेसिक अभी हम वैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. सो after that we will discuss more about the vector. Thank you.